तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल का एक सैमसंग का फीचर बताने वाला हूँ, जो कि सिक्योरिटी रीजन से बहुत ही शानदार फीचर है। इसको हर सैमसंग गैलेक्सी यूज़र को ऑन करके रखना चाहिए, जो कि बहुत ही यूजफुल है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल में, फाइंड माय मोबाइल के बारे में बताने वाला हूँ। उसके अंदर एक नया अपडेट भी है और ये एक्चुअल में कैसे यूज़ करता है सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ फाइंड माय मोबाइल्स के यूज़ के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इसको ऑन नहीं करा होगा तो ये ऑफ होगा, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपके साथ, मतलब अगर आपका मोबाइल कहीं घूम जाता है या कहीं चोरी हो जाता है या कहीं लॉस्ट हो जाता है, तो आप इसके थ्रू उसको फाइंड कर पाएंगे, जैसा कि इसका नाम ही है फाइंड माई मोबाइल्स। तो सबसे पहले आपको अपने सैमसंग अकाउंट से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको ये कुछ परमिशन है इसको अलाउ कर देना है, ताकि अलाउ दिस फोन टू बी फाउंड, आपको इसको अलाउ करना है कि अगर आप ये फ़ोन कहीं घूम जाए तो आप इस URL के लिंक से उसको फाइंड कर सकें, तो आपको उसको अलाउ कर देना है। साथ में रिमोट अनलॉक कि आप अपने मोबाइल को अनलॉक भी कर सकें, तो वो भी ऑन करना है। और साथ में तो जो जो फीचर्स को आपको देखना है कि वो फीचर आपके काम के हैं, आपको सबको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद बस आपका सैमसंग अकाउंट लॉगिन करने के बाद उसको ऑन कर लेना। अगर आपका मोबाइल कहीं गुम जाता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक पे क्लिक करके अपने डिवाइस को आप यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो यहाँ नेटवर्क, आपको अपने सैमसंग अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप सैमसंग अकाउंट को लॉगिन करके जाएंगे तो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर गैलेक्सी वॉच दिख रही है, और अगर आप अपने मोबाइल को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने मोबाइल को भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो हर एक चीज़ को आप यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ पर है चीज़ और किस लोकेशन पे है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कितने परसेंट मेरी बैटरी है, लास्ट कब उसकी लोकेशन दिख रही थी, सब चीज़ें आपको यहाँ पर नीचे दिख रही होगी। साथ में अगर आप रिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उस मोबाइल में रिंग होने लग जाएगी। लॉक करेंगे तो मोबाइल लॉक हो जाएगा। ट्रैक लोकेशन, जैसे कि अगर मान लो मैं लॉक करूँगा तो वो लॉक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में जैसे मेरा अनलॉक पे है तो उसने अनलॉक का बता दिया, अगर रिंग करूँगा तो वो रिंग होना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ये कॉल आना, तो इस तरीके से रिंग आना चालू हो जाएगी। उसके बाद लॉक कर सकते हैं, ट्रैक लोकेशन कर सकते हैं, इरेज डाटा कर सकते हैं, एक्सटेंड बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटेंड बैटरी लाइफ पे सेव करेंगे तो वहाँ पर बैटरी सेवर ऑन हो जाएगा, जिससे मेरा मोबाइल लॉन्ग तक चल सकता है। अगर आपका मोबाइल की बैटरी कम है और आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग तक चलते रहे, जब तक कि आप उसको इजीली ट्रेस कर पाए, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऑटोमेटिक वो वहाँ पर चला गया है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप इस फीचर का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इस तरीके से आप अपने इस डिवाइस से इसका यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसमें एक नया अपडेट भी आया है, तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, वापस लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन पे जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पर थ्री डॉट्स पे, और यहाँ पर अबाउट फाइंड मोबाइल वाइप पे जाएंगे, तो आप देखेंगे यार नया वर्ज़न इस अवेलेबल, आपको दिख रहा होगा नया वर्ज़न यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल फॉर फाइंड माई मोबाइल अपडेट इट्स नाउ टू कीप इट रनिंग स्मूथली। तो जब आप इसको अपडेट कर लेंगे तो वो स्मूथली आपका चलता रहे, तो साथ में ही अपडेट होने लग जाएगा। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा वहीं के वहीं इंस्टॉलिंग होना चालू हो जाएगा। तो इसका फीचर बहुत ही शानदार है यार, मोबाइल कहीं अपना लॉस्ट हो जाए तो आप इजीली इसके थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे, और रियल में ये काम करता है। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप वहाँ पर डेटा को डिलीट तक भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर कर पाएंगे और बहुत ही ईजिली। और अपडेट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए, अलाउ दिस फोन टू बी फाउंड करके ऑप्शन आ गया है, सेंड लार्ज लोकेशन, ऑफलाइन फाइंडिंग, और दो चार जो ऑप्शन थे वो सब यहाँ पर हट गए। सिंपली सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अपडेट के बाद, तो आपको अपडेट करना चाहिए। अपडेट्स करने से क्या होता है, स्मूथनेस बनी रहती है और सिक्योरिटी को भी इन्हांस किया जाता है।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो मेरे लाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछे जाते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू, इतना तो कर ही लोगे तो मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पर आपको चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।